स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव गांव घर घर हर घर नल घर के रहे स्वस्थ पेयजल की योजनाओं को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन ग्राम के प्रधानों की लापरवाही से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते हैजा जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव में लगी पानी की टंकी में करीब 6 साल से दवा नहीं डाली गई, जिसकी वजह से उसका पानी दूषित हो गया है और 100 से ज़्यादा ग्रामीण बीमार हैं। तबीयत खराब होने लगी, जिस पर ग्रामीणों ने निजी अस्पताल का रुख किया, जहां पर लोगों को भर्ती कराया गया। देखते ही देखते अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वही बीमार मरीजों का कहना है कि हमारे यहाँ पेयजल पानी की टंकी बनी है, उसकी पाइपलाइन जगह जगह से टूटी हुई है और निर्माण कार्य के बाद से करीब 6 वर्षों से पानी की टंकी में अभी तक टंकी में ना तो दवा डाली गई है और ना ही सफाई करवाई गई है, जिसके कारण दूषित पानी हो गया है। गांव के सैकड़ों लोग को उल्टी दस्त बीमारी से ग्रामीण परेशान हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार प्रधान से की गई, लेकिन प्रधान ने हर बार इसको नज़रअंदाजी किया। गांव में इस समय डिहाइड्रेशन बहुत बुरी तरीके से फैला है। करीब कितने दिनों से ये? करीब 1 हफ्ते से चल रहा है। आपके यहाँ किसी प्रकार की कोई बीमारी? हमारे यहाँ हमारे छोटे भाई को तकलीफ हुई और इतनी बुरी स्थिति हो गई कि 10 मिनट में मरने की जैसी स्थिति। पूरा दिन होश में नहीं रहा, पूरा शरीर बेकार हो गया उसका, स्थिर इस पोजीशन में पहुंच गया था। क्या लगता है क्यों गांव में इतने सारे लोग बीमार है, क्या कारण हुआ? कारण पानी की व्यवस्था, टंकी में कम से कम 6 से 7 साल से दवा नहीं डली है। दूसरे कारण उसकी सफाई नहीं हुई, उसमें उसके अंदर काई जमा है। सेहत तो ऐसी है कि जो है कम से कम 3-4 साल हो गए टंकी में दवा नहीं पड़ रही, तो इतने कीटाणु आते हैं, कम से कम 50 लीकेज हैं गाँव में, तो उसकी वजह से जो लीकेज हैं तो वो पानी अंदर जाता है तो कीटाणु पैदा होते हैं, उसमें हमारा पूरा मोहल्ला बीमार है। ऐसे 4 लोग तो ऐसे हैं जो मरने से बचे हैं अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर। कितने लोग बीमार होंगे गाँव में? गाँव में कम से कम 150 के नीचे तो है नहीं। अच्छा, अच्छा। करीब बीमारी जो है कितने दिनों से है? हाँ, ज्यादा भी हो सकता है। समस्या ये है कि विगत वर्षों से 6 वर्षों से कम पानी की टंकी में कोई दवा नहीं पड़ी, जगह जगह लीकेज खुले हैं, तो नाली का पानी जो है उस सप्लाई के पानी में अंदर जाता है, उसमें कीड़े तरह तरह की गंदगी फैलती है, लोग उसको पीते हैं, पी के बीमार होते हैं। यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, यहाँ पे न कोई स्वास्थ्य अस्पताल है, न कोई डॉक्टर नियुक्त है, तो लोग रात विरात जो है परेशान होते हैं, अपने बच्चों को ले लेके अस्पताल प्राइवेट कोई CSC सब जगह दिखाते हैं। सबसे गांव में कितने लोग बीमार? कम से कम 100 आदमी या इससे अधिक भी हो सकते हैं। बस यही समस्या है, पानी जो आता है तो गाँव भर पूरा पीड़ित है। पूरे गाँव में यही समस्या है कि हर इंसान बीमार है और इतनी तगड़ी से बीमारी जो ये गांव में लागू है, हर इंसान घर घर परेशान है। कोई लेडीज बीमार, कोई बच्चा बीमार, कोई मतलब गली गली में हमारे गांव में सब मारा मारा सजेती जा रहा है। कोई कानपुर जा रहा है, कोई घाटमपुर जा रहा है। कितने लोग गांव में बीमार? कम से कम 100 है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।